आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। मंडियों के हाल में आपका स्वागत है। बात करते हैं पीपलिया मंडी में आज लहसुन का भाव कैसा रहा। तो बता दें, पीपलिया मंडी में आज नया ओटी लहसुन का जो भाव है वो 1,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहा है। साथ ही पीपलिया मंडी में नया देसी लहसुन का भाव 500 रुपये से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को ये मिल रहा है। तुलसी लहसुन का भाव पीपलिया मंडी में 2,000 रुपये से 3,800 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। साथ ही अमलेटा लहसुन का भाव 1,000 रुपये से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को ये मिल रहा है। G2 क्वालिटी का भाव 1,500 रुपये से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। साथ ही देसी लहसुन फूलगोला का भाव 2,000 रुपये से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। साथ ही पीपलिया मंडी में देसी लड्डू माल लहसुन का भाव 1,000 रुपये से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। देसी मीडियम माल का भाव 500 रुपये से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। तो कुछ इस प्रकार पीपलिया मंडी में आज लहसुन का भाव रहा। अब अगर बाजार की बात करें तो आज पीपलिया मंडी में लहसुन के बाजार में कल की अपेक्षा आज बाजार ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो मंडियों के हाल में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को सरसों, मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन तिलहन की थोक कीमतों में सुधार देखने को मिला। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 1% की तेजी देखने को मिली थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में सिर्फ 0.2% की। सरसों रिफाइंड तेल के सस्ता होने की वजह से सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट आई, जबकि सोयाबीन के DOC की मांग होने से सोयाबीन दाना और लूज तिलहन के भाव में मामूली सुधार। सोयाबीन इंदौर तेल का भाव पूर्व स्तर पर बना रहा। बिनौला में खास कारोबार नहीं देखने को मिला, क्योंकि नई फसल बाजार में लगभग खप चुकी है। बिनौला तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। दूसरी ओर महंगा होने और मांग प्रभावित रहने के कारण CPO और पामोलिन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे, लेकिन इन तेलों में कोई खास कारोबार नहीं देखने को मिला। सूत्रों का कहना है कि सस्ता होने की वजह से सरसों, मूंगफली तेल की मांग है, जिससे इनके भाव सुधार के साथ बंद हुए। लेकिन जिस रफ्तार से सरसों के रिफाइंड बनाए जा रहे हैं और शेष आयातित महंगे तेलों में इसे मिलाया जा रहा है, उसे देखते हुए तो सरसों का संकट आगे जाकर गहराने की पूरी संभावना बन रही है। साथ ही अगली फसल आने में लगभग 9 महीने की देरी को देखते हुए सरकार को बरसात के दिनों में भारी संकट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकारी खरीद एजेंसियों और सहकारी संस्थाओं को लगभग 2-4 लाख टन सरसों की खरीद करते हुए अभी हाल फिलहाल में स्टॉक बना लेना चाहिए। सरसों और मूंगफली तेल तिलहन में सुधार का कारण यह भी है कि कम कीमत पर बेचने के लिए किसान राजी नहीं है, इसलिए मंडियों में कम माल ला रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि MRP को लेकर अभी भी गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही हैं, जहां खुदरा में इसे थोक मूल्य से काफी ऊंचे भाव पर बेचा जा रहा है। सरकार को तत्काल कदम उठाते हुए इसे रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। छापे मारने से कहीं अधिक कारगर खुदरा में बिकने वाले खाद्य तेलों में MRP की जांच से मदद मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट,
मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी।